हेलो फ्रेंड्स, आई एम कमल। स्टफ्ड शिमला मिर्च या बेल पेपर्स तो आपने कई बार खाई होंगी, पर स्टफ्ड बेल पेपर्स रिंग्स आप शायद पहली बार देख रहे हैं। बहुत ही अलग रेसिपी है ये, बहुत ही डिफरेंट तरीके के साथ बनाई है मैंने, बिना प्याज अदरक लहसुन के सब्जी है ये। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कॉमेंट और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके लिए सबसे पहले सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 15 से 20 काजू, जिसे मैंने पानी में करीब 1 या 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। 1 या 2 घंटे के बाद ये इस तरह फूल जाएंगे। अब इसे एक मिक्सर जार में थोड़े से पानी के साथ हम बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर मेरे पास 3 कलर के शिमला मिर्च हैं। अब हमें शिमला मिर्च को रिंग्स में काटना है। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे। सबसे पहले इसका हम कैप अलग कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह पतले पतले हमें रिंग्स में काट लेना है। अब जो बीज का पोर्शन है उसे इस तरह चाकू से कट करके हम निकाल देंगे तो हमारे इस तरह रिंग्स बन जाएंगे। बाकी सारी शिमला मिर्च के साथ भी हम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। रिंग्स बनाते वक्त जो हमारी शिमला मिर्च बच जाएगी वो आप पास्ता में या मिक्स्ड वेजिटेबल राइस में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह 3 तरह की बेल पेपर्स के साथ मैंने 8 रिंग्स बना लिए हैं। अब हमें बनानी है स्टफिंग, जिसके लिए मेरे पास है यहाँ पर 3/4 कप के करीब फ्रेश कॉर्न। अब इन्हें हमें ग्राइंड करना है, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा ही पीसना है, इसलिए बिना पानी डाले हम इसे पीस लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह का पेस्ट हमें तैयार करना है। अब एक बड़ा बोल लें जिसमें डालें 3/4 के करीब ग्रेट किया हुआ पनीर। ये घर का बनाया हुआ पनीर है, आप बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में डालें कॉर्न जो हमने अभी पीस के रखे थे। उसके बाद डालें इसमें हरा कटा धनिया, साथ में डालें 2 या 3 बारीक कटी हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक। अब इसके बाद सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब स्टफिंग हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब एक पैन गरम करें जिसमें डालें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल को पैन में अच्छी तरह से फैला लें। एक बार गरम होने के बाद गैस को धीमा कर दें। उसके बाद जिस तरह मैं अब रिंग्स रख रही हूँ इस तरह इसमें रिंग्स प्लेस कर देंगे। अब इसमें 1-1 चम्मच या 1.5 चम्मच के करीब हम इस तरह स्टफिंग को स्टफ कर देंगे। आँच हम यहाँ पर हमारी बिल्कुल धीमी रहनी चाहिए। स्टफिंग को बिल्कुल दबा दबा के भरेंगे, ढीला सा नहीं भरेंगे, क्योंकि जब इसे हम पलटेंगे दूसरी तरफ सेकने के लिए तो स्टफिंग हमारी ढीला होने की वजह से बिखर सकती है। अब एक तरफ हो जाने के बाद अब इसे हम पलट लेंगे दूसरी तरफ सेकने के लिए। बहुत ही पेशेंस का काम है, बहुत ही लो फ्लेम पे एकदम तबीयत के साथ करना है, हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब इसे फिर से दूसरी तरफ भी हम
अच्छी तरह से सेक लेंगे। अब एक से दो मिनट तक जब दूसरी तरफ भी सिकते हुए हो जाए, इसके ऊपर अब हम रखेंगे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्रोसेस्ड चीज़। आप ग्रेट भी कर सकते हैं। अब हमें ढककर चीज़ को मेल्ट होने तक पकाना है। जैसे ही चीज़ मेल्ट हो जाए, हम ढक्कन हटा के अपने सारे स्टफ्ड रिंग्स निकाल लेंगे और बाकी सारे रिंग्स के साथ सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब हमें एक थिक सॉस बनानी है, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा तेल गरम किया है। यहाँ पर मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं, जिसमें है दालचीनी, छोटी इलायची, लौंग और जीरा। इसे तेल में डाल दें। खड़े मसालों को हल्का सा सौते कर लेना है एक प्यारी सी खुशबू आने तक। मसाले हमारे सौते हो चुके हैं। अब इसमें डालें 2 चम्मच बेसन। बेसन को अच्छी तरह से भून लेंगे। बेसन भूनते वक्त गैस को बिल्कुल धीमी रखें और इसे लगातार चलाते रहें, वरना बेसन जल सकता है। अब इसमें डालें टोमेटो प्यूरी। ये कच्चे टमाटर की प्यूरी है। 4 से 5 टमाटर मैंने मिक्सर जार में थोड़े से पानी के साथ अच्छी तरह से पीस लिए थे। सभी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। अब डालेंगे इसमें थोड़े से सूखे मसाले, जिसमें मैंने डाला है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सब 1-1 चम्मच है। अब डालें स्वाद के अनुसार नमक। नमक थोड़ा कम ही डालें, क्योंकि बाद में हम सॉस भी यूज़ करने वाले हैं, टोमेटो सॉस, तो उसमें भी नमक होता है, तो ज़्यादा ना हो जाए। अब इसे ढक कर तेल छोड़ने तक हम मसाले को पका लेंगे। मसाले ने तेल छोड़ दिया है और बहुत ही अच्छी तरह कुक हो चुका है। अब इसमें डालें काजू की पेस्ट, जो हमने पहले बना के रखी थी। साथ में डालें थोड़ा सा पानी। अब सभी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, इसे बस काजू को थोड़ा सा पका लेना है हमें, खुला ही इस तरह बिना ढके। 4 से 5 मिनट धीमी आंच पे सॉस को पकते हो चुके थे। मुझे सॉस थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो इसे पतला करने के लिए मैंने डाला है दूध। आप अपनी पसंद के हिसाब से सॉस की कंसिस्टेंसी ठीक कर सकते हैं दूध डाल के। अब इसमें डालें 4 बड़े चम्मच टोमेटो केचप। अब इसे अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिला लेंगे। हमारा सॉस बन के बिल्कुल तैयार है। अब सर्व करने के लिए एक किसी भी शेप का आप एक बड़ा सर्विंग बोल लें। सबसे पहले हम डालेंगे अपनी सॉस जो हमने बना के रखी थी, उसे अच्छी तरह से फैला दें। उसके बाद केयरफुली जो हमने स्टफ्ड रिंग्स बना के रखे थे, उसे ग्रेवी के ऊपर धीरे से इस तरह रख देंगे। देखिए अभी ही कितना खूबसूरत लग रही है ये डिश। अब डालें इसके ऊपर क्रीम या घर की मलाई। अब इसे और खूबसूरत बनाने के लिए हम डालेंगे ऊपर से हरा धनिया। इस रेसिपी को आप रोटी, नान, अपनी पसंद की किसी भी इंडियन ब्रेड के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है ये। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, मुझे बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा। इससे मेरे चैनल को ग्रोथ करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरा वीडियो देखने के लिए।